हेलो स्टूडेंट, आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन HDE पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 9.5 को सॉल्व करने के काम आएगी। इक्वेशन 9.5 में हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी या उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे। तो ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एंड इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल लैम्डा एन एफ एक्स वाई इस फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। इसका मतलब स्टूडेंट लैम्डा नॉट इक्वल जीरो, इस तरह की फॉर्म में यदि कन्वर्ट हो जाए कोई क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल फंक्शन तो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, इफ एफ एक्स वाई फंक्शन आपको गिवन है वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो स्टूडेंट हेयर एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू लैम्डा वाई पुट कर दीजिए। मैं यहाँ लैम्डा एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो इधर तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, इधर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। हियर लैम्डा स्क्वायर इज कॉमन, कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल दो लैम्डा को, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट सो ये हमारे पास फॉर्म एफ है एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई हियर एन इक्वल टू, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल टू, आपको एक एफ एक्स वाई इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाई गिवेन है, सो करना है कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। पुट एक्स इक्वल लैम्डा एक्स लैम्डा वाई मैंने पुट कर दिया, वाई इक्वल लैम्डा वाई पुट कर दिया, इसलिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। स्टूडेंट यहाँ हम लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि लैम्डा एक्स तो एंगल है, लैम्डा वाई एंगल है, हम कॉमन नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट एफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल एफ एक्स वाई फॉर्म, सो इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। स्टूडेंट हम कह सकते हैं इफ फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ एक्स वाई एक्स की पावर एन जी वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में कोई होमोजीनियस फंक्शन हो तो कोई फंक्शन मिले तो उसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, या इस फॉर्म में है वाई की पावर एन एच एक्स अपॉन वाई। बट एनसीईआरटी ने इस बार 2021 में जो एनसीईआरटी एग्ज़ाम होगी सीबीएसई बोर्ड लेगी उसमें ये इक्वेशन हटा दी गई है, सो हमको यही पढ़ना है। तो अब डेफिनेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई हियर एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन। इस यहाँ एफ एक्स वाई की वैल्यू इस तरह होना चाहिए, इफ एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन डिग्री जीरो डिग्री हियर एन इक्वल जीरो, यानी स्टूडेंट डी बाई डी एक्स इक्वल एफ वाई अपॉन एक्स फॉर्म हो तो इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है सॉल्व ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द टाइप डी बाई डी एक्स इक्वल एफ वाई अपॉन एक्स, जो हमारे सिलेबस में है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, यदि सेपरेट वेरिएबल हो रही हो तो ठीक है, नहीं हो रही हो तो हमारे पास होमोजीनियस वाई अपॉन एक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि ये कन्वर्ट करके हम वाई अपॉन एक्स को वी लेट करेंगे, यहाँ से वाई इक्वल वी एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर थ्री बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट वन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स एज इट इज डी बी अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर फोर्थ, पुट वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स एंड वाई अपॉन एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड फोर इन इक्वेशन नंबर वन। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर टू एंड फोर से डी वाई अपॉन एक्स और डी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए,
सो हमारे पास ये आ जाएगी बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल एफ बी इम्प्लाइज एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इस बी को इधर ले जाइए तो ये नेगेटिव हो जाएगा और वाई सेपरेटिंग वेरिएबल कर दो डी बी अपॉन ये आ जाएगा डी बी के नीचे डी बी अपॉन एफ बी माइनस बी इक्वल डी एक्स अपॉन ये एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कर दो इंटीग्रेशन डी बी अपॉन एफ बी माइनस वी इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन इक्वेशन नंबर फाइव। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फाइव से हम इंटीग्रेशन करते हुए जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें बी के स्थान पर वाई अपॉन बी रिप्लेस कर देंगे पुट कर देंगे बी इक्वल वाई अपॉन एक्स पुट करते हुए जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इक्वेशन नंबर वन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।